हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज़ वेल विथ यू ऑल। हम लोग साझेदारी चैप्टर पढ़ रहे हैं और उस साझेदारी चैप्टर पढ़ने के दौरान आज हम आपसे जिस नवीन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे उसका नाम है नए साझेदार को लाभ की गारंटी। कभी कभी ऐसा होता है कि जब साझेदारी फर्म का गठन किया जाता है तो उस गठन करने के दौरान उनमें शामिल होने वाले सभी साझेदारों में कोई साझेदार ऐसा होता है जो यह उम्मीद करता है कि उसे एक निश्चित लाभ की गारंटी दी जाए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि फर्म पहले से चल रही है और किसी नवीन साझेदार की आवश्यकता हुई और उस दौरान किसी नवीन साझेदार का प्रवेश कराया जाता है, उसकी एंट्री कराई जाती है फर्म में, तो वहाँ पे भी वो नवीन साझेदार गारंटी की बात कर सकता है। तो दोनों ही स्थितियाँ हैं कि नया साझेदार प्रवेश कर रहा है, चाहे फर्म के गठन के समय ही या फिर फर्म के संचालन के दौरान बीच में। तो अगर कोई साझेदार ऐसा फर्म में प्रवेश कर रहा है और जो उसके साथ साथ गारंटी की राशि डिसाइड कर रहा है कि हम मिनिमम इतनी गारंटी के बाद ही फर्म में ज्वाइन करेंगे, हमें फर्म में लाभ हो या ना हो, ठीक है, हमें कम से कम एक निश्चित अमाउंट लाभ के रूप में मिलना चाहिए। और फर्म के जो भी साझेदार हैं वे सारे साझेदार अगर उसकी इस शर्त से सहमत हैं तो उस व्यक्ति को फर्म में साझेदार के रूप में ज्वाइन कराया जा सकता है। और वो जब साझेदार फर्म में ज्वाइन कर लेता है तो फर्म का संचालन किया जाता है। वर्ष के अंत में जो भी लाभ और हानि होती है उस लाभ और हानि में उस गारंटी युक्त साझेदार को किस तरह से भुगतान किया जाता है और जो शेष बचे हुए साझेदार हैं उनको किस तरह से भुगतान किया जाता है, इन्हीं सारी बातों को आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे। तो कुछ पॉइंट्स के द्वारा पहले हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, फिर एग्जांपल के द्वारा भी दिखाएंगे। एक नए साझेदार को लाभ की गारंटी, कभी कभी विशेष परिस्थितियों में जब किसी नए साझेदार को व्यवसाय में शामिल किया जाता है तो उसे एक न्यूनतम लाभ की गारंटी दी जाती है, साथ ही साथ उसे लाभ में एक निश्चित हिस्सा भी दिया जाता है। देखिए, ये पॉइंट थोड़ा ध्यान देने की बात है, एक निश्चित हिस्सा दिया जाता है, मींस उसका जो प्रॉफिट में शेयर होगा उसको डिसाइड भी किया जाता है कि आपको लाभों में इतना पार्ट मिलेगा और साथ साथ एक फिक्स अमाउंट होगा जिसकी गारंटी भी दी जाती है। तो दोनों चीज़ें साथ साथ होती हैं, एक तो उसको जैसे दूसरे सभी साझेदारों का लाभ का हिस्सा होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, वैसे इसका भी एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा जो नवीन साझेदार फर्म में गारंटी युक्त ज्वाइन कर रहा है। लेकिन साथ साथ इसे एक गारंटीड अमाउंट भी बताया जाता है कि फर्म को फ़ायदा हो या ना हो, लाभ हो या ना हो, आपको गारंटीड अमाउंट इतना फिक्स किया जाता है जो कि आपको भुगतान किया जाएगा, ठीक है। तो दोनों बातें होती हैं, एक निश्चित अमाउंट की गारंटी होती है, साथ साथ उसका एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी डिसाइड किया जाता है। ऐसी स्थिति में यदि किसी वर्ष फर्म का लाभ कम हो तो भी साझेदार को न्यूनतम राशि लाभ के रूप में चुकाई जाती है। क्लियर हुआ? ऐसी स्थिति में निम्न बिंदु महत्वपूर्ण हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को जान लेना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पहला पॉइंट क्या है, यदि किसी वर्ष लाभ की राशि न्यूनतम गारंटी से अधिक होगा तो उसे अधिक राशि भी पाने का अधिकार होगा, ठीक है। इसको देखते हैं, सपोज दैट कोई एक ऐसी फर्म है और उसने 1,00,000 रुपीज प्रॉफिट गेन किया, ठीक है, और फर्म में सपोज दैट तीन साझेदार हैं, देयर आर 3 partners ए बी एंड सी, और इनके बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में इस 1,00,000 रुपए के अमाउंट को इन तीनों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है, ठीक है। लेकिन सपोज दैट इस नवीन साझेदार को सी को गारंटी दी जाती है कि मिनिमम 25,000 आपको पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करके अगर देखें, इसको हम 90,000 कर लें, आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। 90,000 टोटल अमाउंट है, तो अगर हम देखें तो 90,000 का अगर 1/3 कैलकुलेट किया जाए तो ये 30,000 होता है। ठीक है, 30,000 होता है, मींस सी को गारंटी दी गई है कि आपको ये 1:1:1, इसका मतलब क्या होता है, इसको 1/3 मतलब 1/3 लाख की गारंटी दी गई है। तो अगर आप देखें तो फर्म का 90,000 का जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है, उस 90,000 में सी को गारंटी मिली है कितने की, 25,000 रुपए की, लेकिन अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो सी का हिस्सा कितना आ रहा है, 30,000 रुपए आ रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट यही बताता है कि यदि किसी वर्ष लाभ की राशि इतनी अधिक होती है कि न्यूनतम गारंटी से भी अधिक हो रहा है, तो न्यूनतम गारंटी यहां पे कितनी की है, 25,000 की, लेकिन इसको प्रॉफिट कितना हिस्सा बन रहा है इसका, 30,000, तो न्यूनतम राशि सॉरी तो उसे अधिक राशि पाने का अधिकार होगा। मींस ऐसी सिचुएशन में उसे जो पार्ट दिया जाएगा प्रॉफिट वो क्या दिया जाएगा, 30,000 दिया जाएगा। ठीक है, मींस फर्म में गारंटी युक्त साझेदार को नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने पर अगर उसे जो गारंटीड अमाउंट है उससे कम प्रॉफिट मिलता है, ठीक है ना, तब यहाँ पे ये शर्त ये होगी कि आपको मिनिमम गारंटी 25,000 दी जाएगी। यहाँ पे अगर ये अमाउंट 24,000 आता, मींस गारंटीड अमाउंट से कम आता, तो वहाँ पे इनको 25,000 दिया जाता, लेकिन कैलकुलेट करने के बाद इनके जो दी गई गारंटी है उससे ज़्यादा अमाउंट आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो ज़्यादा अमाउंट आ रहा है उसे भुगतान किया जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको कन्फर्म हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि किसी वर्ष फर्म को हानि हो तो ऐसी स्थिति में भी न्यूनतम राशि पाने का अधिकार होगा। अब सपोज दैट यहां पर हम इस अमाउंट को डिस्टर्ब कर लेते हैं, ये आपका जो 90,000 का अमाउंट है इसको हम 60,000 कर लेते हैं। अगर फर्म को सपोज दैट सेकंड सिचुएशन में मान लेते हैं फर्म को 60,000 का प्रॉफिट हो रहा है, अब 60,000 के प्रॉफिट में अगर हम सी के प्रॉफिट को 1/3 कैलकुलेट करके देखें तो इसका अमाउंट कितना आएगा, 20,000 आ जाएगा। ठीक है, अब 20,000 आ गया, जबकि इसको गारंटी कितनी दी गई है, 25,000 को, सी को गारंटी दी गई है 25,000 को कि मिनिमम आपको 25,000 दिया ही जाएगा, लेकिन अगर प्रॉफिट को कैलकुलेट किया गया तो होल ईयर का जो प्रॉफिट आया वो 60,000 आ गया। इस 60,000 को अगर हमने 1/3 किया तो सी का अमाउंट कितना बन रहा है, 20,000, जबकि गारंटी दी गई इसको कितने की, 25,000 पे, तो ऐसी स्थिति में इसको क्या पेमेंट किया जाएगा, इसको पेमेंट किया जाएगा 25,000। ठीक है ना, कैसे पेमेंट किया जाएगा इसका, अब इसी इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। पहली सिचुएशन में जो हमने बताया वहां पे इनको कितना पेमेंट किया गया, 30,000, क्योंकि 30,000 और 25,000 में 30,000 ज्यादा था। यहां पे क्या हो रहा है, फर्म को जो प्रॉफिट गेन कर रही है, यहां पे हम इसको मान लेते हैं 90,000 जो था वही रहने देते हैं, और यहां पे सेकंड सिचुएशन में हम इसको 60,000 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 60,000 का अमाउंट हो रहा है। अब 60,000 पे हमने जब कैलकुलेट किया तो यहाँ पे आया इनका कितना हिस्सा आया, 20,000 आया। अब 20,000 और 25,000 दोनों में इनको कितना प्रोवाइड किया जाएगा, 25,000, ये बता रहा है आपका ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट अगर बता रहा है, फर्म में जब उसके हिस्से का लाभ गारंटी की राशि से अधिक होगा तब कभी भी राशि को अतिरिक्त से वसूल किया जा सकेगा। सपोज दैट हम इसको फर्स्ट ईयर मान लेते हैं, फर्स्ट ईयर में इन्होंने 90,000 का प्रॉफिट वो गेन किया था, उसमें इनको जो पार्ट दिया गया वो 30,000 दिया गया था, यहाँ तो स्थिति बिल्कुल नॉर्मल रही। सेकंड ईयर की अगर बात की जाए, फर्म के वर्किंग आवर वर्किंग टाइम के सेकंड ईयर में इनको 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, बट गारंटीड अमाउंट इनको 25,000 दिया गया। ठीक है, अब हम थर्ड ईयर की बात कर लेते हैं। थर्ड ईयर में सपोज दैट फर्म को 1,20,000 का प्रॉफिट हो गया, फर्म को कितने का प्रॉफिट हो गया, 1,20,000 का। अब अगर हम 1,20,000 पे कैलकुलेट करके देखें 1/3, तो ये अमाउंट कितना आ रहा है, 40,000 आ रहा है। अभी क्या होगा, पिछले साल इनका प्रॉफिट कितना हुआ था, 20,000। ठीक है, जबकि इनको दिया गया था कितना, 25,000 ना। अब ये जो 5,000 अमाउंट इनको एक्स्ट्रा दिया गया, ये कहां से दिया गया, फर्म से दिया गया या तो किसी साझेदार के द्वारा दिया गया। अब यहां पे जब इनका 40,000 का प्रॉफिट आ रहा है, तो 40,000 के प्रॉफिट के दौरान यहां पर हम क्या करेंगे, 5,000 यहां से उसको वसूल कर लेंगे जो पहले इनको गारंटीड अमाउंट को कंप्लीट करने के लिए दिया गया था। ठीक है ना, फर्म ने 5,000 इनको दिया था,
कि भाई आपको 20,000 प्रॉफिट हो रहा था, गारंटीड अमाउंट 25,000 था, इसलिए आपको 25,000 प्रोवाइड किया गया ना। तो 5,000 फर्म ने अपना लॉस बियर किया, लेकिन इनको 25,000 पेमेंट किया। अभी थर्ड ईयर की सिचुएशन ये हो रही कि इनको 40,000 का प्रॉफिट आ रहा है ना। तो 40,000 में फर्म क्या करेगी, सबसे पहले 5,000 जो फर्म अपने पास से निकाल के इनको दे के इनका मिनिमम जो गारंटी थी उसको कंप्लीट की थी, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगी फर्म, 5,000 यहां से विड्रॉल कर लेगी और इनको क्या पेमेंट करेगी फर्म, 35,000 पेमेंट करेगी। ठीक है ना, क्लियर हो गया। ये तीनों पॉइंट जानने के लिए आपके बहुत जरूरी था। पहला, यदि किसी वर्ष फर्म को इतना प्रॉफिट होता है कि उसको मिनिमम रेंडम इसकी जो मिनिमम गारंटी है उससे अधिक प्रॉफिट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में फर्म क्या करेगी, जितना इनको एक्स्ट्रा हो रहा है पूरा का पूरा इनको दे देगी। लेकिन अगर आगे की सिचुएशन कभी ऐसी रही है कि किसी फर्म में लॉस हो गया और लॉस में फर्म को अपने पास से पैसे मिला के, किसी साझेदार को अपने पास से पैसे मिला के इसको मिनिमम गारंटी को पेमेंट करना पड़ा है, तो ऐसी स्थिति में जितना एक्स्ट्रा अमाउंट मिनिमम गारंटी को पेमेंट करने के लिए दिया गया है उसे इन फ्यूचर जब भी कभी प्रॉफिट होगा या इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिनिमम गारंटी से ज्यादा आएगा, तो ऐसी सिचुएशन में जितना एक्स्ट्रा अमाउंट इनको गारंटी को कंप्लीट करने के लिए पेमेंट किया गया जा चुका है उस अमाउंट को रिकवर किया जा सकता है। तो इस सिचुएशन में इनको 40,000 का प्रॉफिट हो रहा है जबकि 5,000 जो फर्म ने लॉस बियर किया था इनको गारंटी देने के कारण, तो उस 5,000 को फर्म पहले क्या करेगी, रिकवर कर लेगी और रिकवर करने के बाद इनको 35,000 पेमेंट कर देगी। ठीक है ना। तो ये जो चीजें नहीं, ये आपने देखा कि मिनिमम रेंट की सिचुएशन में कैसे इसको वर्क करते हैं। ठीक है ना। लेकिन अब बात आती है कि इनको ये जो गारंटी दी जा रही है इस गारंटी को एक्चुअली देगा कौन। ठीक है, तो वहां पे दो पॉइंट बनते हैं, या तो गारंटी फर्म के द्वारा दी जा सकती है या किसी पार्टनर के द्वारा दी जा सकती है, किसी साझेदार के द्वारा दी जा सकती है। अब ऐसी सिचुएशन में हम कैसे कैलकुलेशन इसको करते हैं इसको देखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप इसके एग्जांपल को कायदे से समझ सकें। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपसे बात की गई कि या तो ये गारंटी फर्म लेगी और या ये गारंटी पार्टनर लेगा। अब हम फर्स्ट सिचुएशन पे आते हैं, सपोज दैट फर्म गारंटी लेती है। ठीक है, फर्म गारंटी लेती है तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, सपोज दैट यहां पे हमने मान लिया कि फर्म ने जो प्रॉफिट गेन किया है होल ईयर में, फर्म को जो प्रॉफिट हुआ कितना प्रॉफिट हुआ है, 60,000 का प्रॉफिट हुआ है, जबकि इनको 1/3 दिया जाता सी को गारंटी दी गई, सी गारंटीड पर्सन है तो सी को गारंटी दी गई कि आपको 1/3 पार्ट दिया जाएगा और 25,000 आपको फर्म में मिनिमम गारंटी की कंडीशन पे आपको रखा गया, मिनिमम गारंटी 25,000 आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पर फर्म ने देखा कि 60,000 का अगर प्रॉफिट हो रहा है और अगर सीज पार्ट निकालते हैं, सीज शेयर या सीज प्रॉफिट निकालते हैं, सपोज दैट हम यहाँ पे सीज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर 60,000 का 1/3 कैलकुलेट किया जाएगा तो ये अमाउंट बन के आएगा 20,000। ठीक है, अब 20,000 आया और इनको मिनिमम गारंटी दी गई 25,000 की, अब कैसे और जो ए और बी हैं इनको कैसे पेमेंट किया जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे फर्म, ऐसे एक बार कैलकुलेट करके चेक कर लेगी। ठीक है, कि इनका भाई 20,000 ही केवल आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में फर्म क्या करेगी, फर्म का जो बैलेंस प्रॉफिट है, जो बचा हुआ प्रॉफिट है, उसमें से क्या करेगी 5,000 और निकालकर इनका 25,000 क्या करेगी फर्म, मेंटेन कर देगी। ठीक है, 25,000 इनको पेमेंट करने के बाद अब फर्म के पास कितना अमाउंट बचा, 60,000 अमाउंट था फर्म के पास, टोटल अमाउंट कितना था 60,000 था, 60,000 में 25,000 पेमेंट कर दिया गया, किसको, सी को पेमेंट कर दिया गया। अभी फर्म के पास जो प्रॉफिट बच रहा है वो कितना बच जाएगा, 35,000। फर्म के पास कितना प्रॉफिट बच जाएगा, 35,000 मींस 35,000 रुपए का फायदा फर्म के पास अब बचा हुआ है। अब उस 35,000 रुपए के फायदे को ए और बी में बांटना है, यहां पे ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है, 1:1
वन है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इस 35,000 को 1/2 कर देंगे, आधा ए को दे दिया जाएगा और आधा बी को दे दिया जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है। अगर ये डिफरेंट होता तो इसको डिफरेंट डिफरेंट करके जो बैलेंस पार्टनर्स हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट करके इसको डिवाइड करते, ठीक है ना। तब यहाँ पे ए और बी का कैलकुलेट कर लेंगे, 35,000 का आ जाएगा तो 17,500, ठीक है। 17,500 ए को भी मिलेगा और 17,500 बी को भी मिलेगा, और जबकि 60,000 के प्रॉफिट होने के बाद सी को कितना मिला, 25,000 मिला, ठीक है। लेकिन सपोज दैट इन फ्यूचर फिर वो सिचुएशन आती है कि फर्म को सपोज दैट यहाँ पे 1,20,000 का प्रॉफिट हो जा रहा है तो सी का अमाउंट आ जाएगा 40,000, तो 40,000 में फर्म क्या करेगी, 5,000 जो इन्होंने एक्स्ट्रा यहाँ पे अपने पास दिया है 5,000 विड्रॉल कर लेगी, और 5,000 विड्रॉल करने के बाद इनको 35,000 पेमेंट कर देगी, ठीक है। ये स्थिति आपको समझ में आ गई होगी कि अगर फर्म गारंटी देती है तो क्या करती है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, इस विधि में सर्वप्रथम गारंटी युक्त साझेदार को लाभ में हिस्से की गणना करते हैं। यदि यह राशि न्यूनतम गारंटी से कम है तो सर्वप्रथम उसे पूरा करके शेष राशि को शेष साझेदारों में उनके लाभांश अनुपात में बांट दिया जाता है, ठीक है ना। मींस पहले हम गारंटीड जो पार्टनर है उसके प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, उसके अमाउंट को हम रिकवर करेंगे, पूरा करेंगे, फिर जो बैलेंस अमाउंट है उसे हम बैलेंस पार्टनर्स में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये तो रही आपकी फर्स्ट मेथड जिसमें गारंटी कौन ले रही है, फर्म ले रही है, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, हम एक सेकेंड मेथड देख लेते हैं। सेकेंड मेथड में भी सिचुएशन यही रखते हैं, सपोज दैट वहां पे क्या हो रहा है, सी को गारंटी मिली हुई है 25,000 की, और यहां पे भी प्रॉफिट हो रहा है 60,000 प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, यहां पे पिछला वाला जो हमने अभी एग्जांपल दिया था उसमें आप देखें तो मिला था क्या, अगर देखें तो ए को मिला था 17,500 रुपया, बी को भी मिला था 17,500 रुपया, और सी को गारंटी थी 25,000 की। ये 60,000 रुपीज अमाउंट इस तरह से डिवाइड किया गया था पिछली सिचुएशन में, जब इसकी गारंटी किसने लिया था, फर्म ने लिया था, ठीक है ना। अब सेकंड सिचुएशन आती है, सेकंड सिचुएशन में भी सपोज दैट टोटल प्रॉफिट हुआ है 60,000 रुपीज का, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1 मींस 1/3, 1/3, 1/3 तीनों को मिलता है, सी को गारंटी दी गई है 25,000 की। तो ऐसी सिचुएशन में गारंटी दिया है किसने, सपोज दैट किसी एक पार्टनर ने, यहां पे हम सपोज कर लेते हैं ये गारंटी दिया है ए ने, किसने गारंटी दे रखी है, ए ने गारंटी दे रखी है। अब यहां पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सी को प्रोवाइड किया जाने वाला अमाउंट कितना होगा। अब यहां पर हमने देखा कि अगर हम देखें सी का अमाउंट देखें तो सी को 60,000 में 1/3 हमने कैलकुलेट किया तो 20,000 आ गया। ऐसे ही हम बी का भी कैलकुलेट कर लेते हैं तो बी का भी हमारा कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा, क्योंकि सेम कैलकुलेशन बी के साथ भी काम करेगा, 60,000 का 1/3। और ए का अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ए का भी आ जाएगा 20,000 अमाउंट ही आ जाएगा। मीन्स तीनों को इक्वल मिलना है। अब इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया तीनों में पहले प्रॉफिट को, लेकिन अब देखते हैं कि इनको 20,000, इनको 20,000, इनको 20,000 मिल रहा है, जबकि सी को ए ने गारंटी दे रखी है कि भैया आपको मिनिमम 25,000 मिलेगा। ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन में ए में से जो एज पार्ट है, एज है कितना 20,000, ए का जो पार्ट आ रहा है प्रॉफिट में कितना आ रहा है 20,000, तो ए में से हम 5,000 माइनस कर देंगे क्योंकि ए ने गारंटी दे रखी है। अब ए का जो पार्ट बचेगा कितना बचेगा, 25,000 हो जाएगा। और हम सी में क्या करेंगे, सी का जो 25,000 था, जो ए से 5,000 हमने माइनस किया है वो सी में 5,000 जोड़ देंगे तो सी का कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। जबकि बी नॉन इफेक्टिव रहेंगे, बी का जो 25,000 था वो ऑलरेडी 20,000 रह जाएगा। अब ये सिचुएशन कब हुई है, जब गारंटी दी गई किसके द्वारा, गारंटी दी गई है किसके द्वारा, ए के द्वारा, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन देखिए, ये फर्म के द्वारा गारंटी दी गई थी, सिचुएशन बिल्कुल सेम थी,
तो वहां पे क्या था कि सी को पेमेंट किया गया, जो बैलेंस अमाउंट था उसको ए और बी में बराबर बराबर बांट दिया गया, या जो भी यहाँ का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उस हिसाब में इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई फर्म गारंटी देता है तो पहले हम सारे पार्टनर्स के प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, उसमें से गारंटी देने वाले व्यक्ति, गारंटी देने वाले पार्टनर का अमाउंट हम उतना माइनस करेंगे और उतना अमाउंट हम गारंटीड पर्सन में प्लस कर देंगे, जितने से कि उनकी गारंटीड अमाउंट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना। अब यहाँ पे भी वही सिचुएशन आगे काम करेगी कि सपोज दैट आगे फर्म को 120,000 का प्रॉफिट हो जा रहा है, तो वहाँ पर जब सी का कैलकुलेट करेंगे तो सी का अमाउंट आ जाएगा 40,000 हो जाएगा। तो 40,000 में क्या होगा, चूंकि ए ने गारंटी दे रखी है, ए ने 5,000 अपने हिस्से में से निकाल इनको दिया है, तो जब 40,000 आ जाएगा तो वहाँ पे ए क्या करेगा, 5,000 वहाँ से माइनस कर लेगा और इनको 35,000 ही पेमेंट मिलेगा। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने आपको देखा, बताया कि कैसे किसी एक पार्टनर को प्रॉफिट में गारंटी दी जाती है और उस गारंटी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। सेकंड में हमने लिख दिया है किसी साझेदार द्वारा न्यूनतम लाभ की गारंटी दिए जाने पर गारंटी से होने वाली हानि केवल उसी साझेदार द्वारा वहन की जाएगी जिसने यह गारंटी दी है। लेकिन ये जो थर्ड वाला पॉइंट है, ठीक है, थर्ड पॉइंट में इन फ्यूचर जब भी इनको एक्स्ट्रा अमाउंट होगा ना, गारंटी वाले अमाउंट में अगर हानि हुई है, अगर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, तो चाहे वो पार्टनर के द्वारा गारंटी दी गई है तो एक्स्ट्रा अमाउंट वो अपना रिकवर कर लेगा, अगर फर्म ने गारंटी दी है तो फर्म ने जितना एक्स्ट्रा अमाउंट इनमें मेंशन किया है उतना क्या करेगा, अपना वो विड्रॉल कर लेगा, ठीक है, कवर कर लेगा, उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट है वो इस गारंटीड पार्टनर को पेमेंट किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इस नए साझेदार को जो गारंटी देने की सिचुएशन है उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी यदि कोई अगर मन में प्रश्न है